हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉर्पियो फीचर सीरीज में। आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्कॉर्पियो में जो जो लाइट फंक्शंस हैं, ये अपनी स्कॉर्पियो S9 है। तो इसमें वैसे तो नॉर्मली ये सबको पता है, ये जो इधर बटन आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, वो सब नॉर्मल फंक्शंस तो सबको पता होंगे, लेकिन इसमें एक दो ट्रिकी फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, आपको आनंद आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी नाइट में ही शूट करनी पड़ रही है क्योंकि लाइट से रिलेटेड फीचर्स थे, तो नाइट में ही शूट करना बेहतर था, आप अच्छे समझ पाएंगे। सबसे पहले ये रोटेटरी, सबको पता ही होगी कि हेडलाइट वगैरह कैसे ऑन करते हैं। होगा जैसे कि एक बार अगर इसको रोटेट करेंगे तो पार्किंग लैंप्स ऑन हो जाएंगे। इसके साथ क्या क्या चीज़ ऑन होगी मैं आपको एक एक वीडियो में अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पॉइंट को, जैसे ये एरो दिख रहा है आपको ओ के सामने, यानी कि अभी ऑफ है, और इसको हम ये पार्किंग लैंप्स के सामने लेके आते हैं तो क्या क्या चीज़ ऑन होती है मैं बताता हूँ। जैसे ये किया तो इंस्ट्रूमेंट पैनल की लाइट ऑन हो गई है, साथ में लाइसेंस प्लेट जो अपनी नंबर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर की लाइट आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट पार्क लैंप एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसे मैंने बता ही दिया है, और साथ में पार्किंग लैंप जो पीछे की तरफ है वो भी अभी आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, पार्किंग लैंप से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हेडलाइट ऑन हो जाएंगी अगर इग्निशन ऑन है तो। ये देखिए, ये लो बीम पे ऑन हो जाती है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो अपनी हाई बीम ऑन हो गई है। ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं, ये नॉर्मल है, सबको पता ही होगा, इससे अपनी फ्लैश ऑन हो जाएगा, जैसे डिपर मारते हैं पर वो ऑन हो जाती है। दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे अपना ये हेडलैम्प में आपने कई बार मॉइस्चर देखा होगा, ये मॉइस्चर इस वजह से है क्योंकि वेंटेड अपनी हेडलाइट्स होती हैं, तो जो मॉइस्चर आता है वो हेडलैम्प ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद चला जाता है। जैसे आप पार्किंग ऑन रखते हैं तो ये जो इस साइड देख पा रहे हैं आप, ये निशान, ये क्या है, फोग लैंप ऑन करने के लिए है। जैसे आपकी यहाँ पर ये पार्किंग पे है ये स्टॉक, और इसको कर देते हो आप फोग लैंप पे, तो इस तरह से फोग लैंप ऑन हो जाएंगे। तो देखिए, आप अभी सामने से भी देख पाएंगे, इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ तो फोग लैंप ऑन हो जाते हैं इस तरह से। ये जब ये पक्का ध्यान रखना है, जब पार्किंग पे है तभी फोग लैंप ऑन हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है अपनी हेडलाइट्स का वो बताता हूँ, लेवलिंग सिस्टम। हेडलाइट का ये लेवल कैसे सेट करना चाहिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और कॉमन नहीं है एक्चुअली, इसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, तो ये मैं बताता हूँ कैसे सेट करते हैं। जैसे आपकी हेडलाइट ऑन होगी और एटलीस्ट ये लो बीम पे होनी चाहिए, जैसे कि हम इग्निशन ऑन कर देते हैं और लो बीम पे करते हैं, आप सामने से देखते भी रहेंगे। अभी देखिए जीरो लेवल पे है, जीरो लेवल कब करना है, जीरो लेवल तब रखना आपको अगर दो पैसे, मतलब दो बंदे बैठे हैं गाड़ी में, यानी अगर फ्रंट में मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर हैं तो जीरो पे रखना है आपको, और अगर पिछले वाली सीट आपकी ऑक्यूपाई है यानी कि सेंटर वाली जो अपनी, तो इसको वन पे रखना है। ये गाड़ी का लेवल के हिसाब से होता है, देखिए अभी आपको ऊपर नीचे होती हुई नज़र भी आएगी। और अगर आपकी गाड़ी में पीछे लोड भी है या रियर सीट पे पैसेंजर बैठे हैं तब दो पे रखना है, और अगर आपकी गाड़ी में लगेज भी है और फुल्ली लोडेड है तब आपको तीन पे रखनी है। ये देखिए बिल्कुल, एक बार आपको लगेगा कि डाउन हो गया, लेकिन अगर पीछे गाड़ी में लोड है तो ऑटोमेटिक ये आपको विजिबिलिटी बनाए रखती है अगर आप तीन पे रखते हैं। चलिए, मैं ज़्यादातर दो बंदों के साथ ही ट्रैवल करता हूँ तो इसको जीरो पे कर देते हैं। तो दोस्तों, ये भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हेल्प करेगा ड्यूरिंग जब कम विजिबिलिटी रहती है उसमें ड्राइव करने में, नाइट में अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलेगी अगर इस हिसाब से आप सेट करेंगे तो। फ्रेंड्स, दो तीन चीज़ें और हैं इसमें जो मैं सिर्फ अभी मतलब बोल के ही बता सकता हूँ। एक तो इसमें जैसे पैनिंग ब्रेकिंग होती है तो अपने हज़ार लैंप ऑन हो जाते हैं, 100 की स्पीड पे गाड़ी हो और ब्रेक एकदम से आपने अप्लाई कर दिए तो जो अपने हज़ार लैंप है वो 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाते हैं, फ्लैश करते हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और है, स्टेटिंग बेंडिंग लैंप बोलते हैं, कॉर्नरिंग लाइट बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जब लाइट की बात कर रहे हैं तो हज़ार लैंप को कैसे भूल सकते हैं, ये देखिए अभी आपको सामने से भी दिख जाएंगे। इसको आप कहीं भी अगर अपनी गाड़ी को रोड के साइड में लगाते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं।
और ये अगर ऑन है तो आपके इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे राइट लेफ्ट के, ठीक है, जो कि अपने यहाँ से ऑन होते हैं, वो भी मैं बता ही देता हूँ जब लाइट से कर रहे हैं। इसके लिए आपको इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में। जी दोस्तों, अभी लाइट की बात चल रही है तो ये जो आप रूफ लैंप देख रहे हैं इनको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कर्टेसी लैंप, ठीक है जी। और ये दोनों बटन ना दोनों साइड में जो आप देख पा रहे हो अभी, ये वाले, ये देखिए, अलग अलग इस लैंप, और इसको आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे रोशनी चाहिए तो आपको ऐसे ही इस साइड का है ये, ऐसे ऑन हो जाएगा और इसको ऑफ कर सकते हैं। और जो ये सेंटर वाला प्रोग्राम है इसको थोड़ा ध्यान से समझें आप, अगर इसको आपने सेंटर में कर दिया तो ये ऑफ हो गया, अगर इसको राइट साइड में कर देते हैं तो परमानेंट ऑन हो जाएगा, और अगर इसको करते हैं लेफ्ट साइड में तो ये जो आपको 20 सेकंड नज़र आ रहा लिखा हुआ, इसमें क्या है, जैसे ही आपने इसकी तरफ करके रखा है और कोई डोर ओपन करते हैं तो साथ में आपको इनसाइड विजिबिलिटी देने के लिए ये डोर खोलने के साथ ही हो जाते हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको अभी। जैसे हम अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं और नीचे जाते हैं तो क्या होगा, अभी सारे डोर ठीक से बंद हैं और लॉक कर देंगे तो जो ये लैंप देख रहे हैं आप, ये दोनों देखिए धीरे धीरे बंद हो जाते हैं डिमिंग फीचर्स के साथ, और जैसे ही हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे, ये देखिए, ताकि हम जब अंदर आएँ तो विजिबिलिटी अपने को मिलती रहे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और मैं सबको यही बोलूँगा कि इसको हमेशा 20 सेकंड पर रखें, क्योंकि जब कोई अपना डोर ओपन रह जाता है तो ये मतलब ऑन ही रह जाते हैं, तो इससे आइडिया लग जाता है कि गाड़ी अनलॉक ही है, मतलब लॉक हुई नहीं है, तो एक सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक है। फ्रंट तो आपने देख ही लिया दोस्तों, और ये अपना रियर में है, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, डोर के साथ भी है, और इसको परमानेंट ऑन भी कर सकते हैं और परमानेंट ऑफ भी, जैसे अभी परमानेंट ऑफ हो गया है, सेंटर में करेंगे तो ये डोर के साथ हो गया और लास्ट में करेंगे तो परमानेंट ऑन हो गया, तो इसको भी आप ऐसे ही बनाए रखें सेंटर में, अपनी सेफ्टी के लिहाज से भी सही रहेगा ये। इसको बोलते हैं जी सेकंड कर्टेसी लैंप, वैसे नॉर्मली रूफ लैंप ही बोलते हैं सब लोग। दोस्तों जो पीछे आप अभी लैंप देख पा रहे हो मेरे, इनको कभी भी ऑन ना छोड़ें, ये पक्का ध्यान रखें, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो जाती है तो बहुत समस्या होती है, बहुत सारे लोगों की मैंने देखा है इसी वजह से ही बैटरी ड्रेन होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये गाड़ी में ऑन ना रह जाएँ, तो जब भी लॉक करें तो देख लें कि अपने आप डिम हो गई है। लेकिन इसका जो फ्रंट वाला जो कर्टेसी लैंप अपना फ्रंट रो का जो बोलते हैं, इसमें ये फंक्शन भी दिया है महिंद्रा ने, अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हैं तब भी ये 20 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, तो ये भी महिंद्रा ने खास ध्यान रखा है बैटरी ड्रेन की समस्या को सुलझाने के लिए। दोस्तों कुछ हज़ार लैंप के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अपने ये ब्लिंक कर रहे हैं आपको देख भी पा रहे होंगे अभी, इसकी खास चीज़ें हैं कुछ, जैसे अगर गाड़ी आपकी क्रैश होती है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो ये 30 मिनट्स के लिए ऑन हो जाएंगे और बंद नहीं होंगे, 30 मिनट तक ब्लिंक करते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है, अगर पैनिक ब्रेकिंग होती है आपकी, 100 की स्पीड में आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाई देता हूँ मैं प्रैक्टिकल करके आपको, अगर आपका बोनेट ओपन रह जाता है तब भी ये अपने हज़ार लैंप हैं ब्लिंक करते रहेंगे। देखिए मैं बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं, ये देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया, और अभी बोनेट ओपन कर लेते हैं, बोनेट ओपन कर लिया और देखिए हज़ार लैंप ऑन हो गए हैं, ये देखो, और जब तक बोनेट बंद नहीं करेंगे ये बंद नहीं होंगे। इसको डीएक्टिवेट करने का भी तरीका है, वो भी मैं बता दूं आपको, ये देखिए बोनेट ओपन हो गया अपना, और इसको कर लेते हैं बंद, ये देखिए बंद हो गए हैं, 3-4 ब्लिंक के बाद बंद हो जाते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने का भी तरीका है, अगर आप हज़ार लैंप को 2 बार एक साथ दबा देते हैं तो जो बोनेट ओपन करने से जो ब्लिंक करते हैं वो बंद हो जाएंगे, वो ब्लिंक नहीं करेंगे। चलिए एक और फीचर बताता हूँ आपको, ज़्यादातर दोस्तों को पता ही होगा, ये है जी पडल लैंप का फीचर। जैसे ये फ्रंट के जो 2 डोर हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ नीचे से, ये देखिए मैं फ्लैश ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये फ्रंट के दोनों डोर में दिया है, ताकि आपकी
एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सेफ हो जाए, कहीं कीचड़ विचड़ में ना उतर जाओ। तो ये सारी लाइट के फीचर्स हैं जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही था। उम्मीद करूँ आप लोगों को लाइट्स की फ़ीचर्स जो हैं समझ में आए होंगे और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं। तो वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मशक्क़त लगती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी और भी वीडियो मैं बनाता रहूँ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।